अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब पूनावाला का नार्को टेस्ट और फिर पोस्ट नार्को टेस्ट हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि पूनावाला का नार्को टेस्ट सफल रहा और उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। न्यूज 18 की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों के मुताबिक कैद में आफताब ना तो किसी से ज्यादा बात करता है और ना ही किसी से घुल मिल रहा है। जेल अधिकारियों के मुताबिक आफताब समय से खाना खाता है और समय से सोता है। ऐसा लगता है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। आफताब पर जेल के अंदर खतरे को देखते हुए जेल अधिकारियों ने उसकी सेल के आसपास विशेष निगरानी रखी हुई है। बात फिर से आफताब के नार्को टेस्ट की करें तो न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि उसका नार्को टेस्ट सुचारू रूप से हुआ और उससे इस बारे में कई सवाल पूछे गए कि हत्या कैसे की गई और उसने बाद में शरीर के अंगों को कैसे ठिकाने लगाया। उन्होंने बताया पूनावाला से ये भी पूछा गया कि क्या उसने वालकर की हत्या की थी, जिसका उसने हाँ में जवाब दिया और कहा कि वो उस समय गुस्से में था। जब उससे शव को काटने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसने आरी का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलामाइन और सोडियम एमिटल जैसी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जो व्यक्ति को एनेस्थीसिया के असर के फेज तक लेकर जाती हैं। सम्मोहन या हिप्नोटिक फेज में व्यक्ति पूरी तरह से होश हवास में नहीं रहता और उसकी ओर से ऐसी जानकारियां उगलने की ज्यादा संभावना रहती है जो वो आमतौर पर होश में रहते हुए नहीं बताता है। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उसने पूनावाला के नार्को टेस्ट की मांग इसलिए की थी क्योंकि पूछताछ के दौरान उसके जवाब भ्रामक थे। पूनावाला पर आरोप है कि उसने वालकर की हत्या कर शव के टुकड़े किए और इन टुकड़ों को फ्रिज में भी रखा। आरोप के मुताबिक पूनावाला कई रातों तक इन टुकड़ों को फेंकता रहा।